सबसे पहला सवाल डॉक्टर इसाक साहब ने किया था कि रोल बैक हो रहा है 18वीं तरमीम का, फोरम क्या है? फोरम ऑब्वियसली पॉलिटिकल फोरम है और पार्लियामेंट फोरम है, पॉलिटिकल पार्टीज फोरम है उसको रोकने का। आपने जुडिशरी की बात की, मैं सॉरी इसमें बिलीव नहीं करता कि पॉलिटिकल इश्यूज को जुडिशरी के सामने ले जाया जाए। हमने माजी में बहुत ये करके देखा जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। सीसीआई का जहाँ तक ताल्लुक है, सेक्रेटेरिएट की क्रिएशन आइन के अंदर दी भी है। दो हफ्ते पहले भी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द सेनेट है प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के ऊपर, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पड़ा हुआ है जो पिछले मेरे ख्याल 5 या 6 महीनों से चल रहा है। मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो तशरीफ़ नहीं ला रही ताकि वो आके उसके बारे में बात कर सकें। इन्होंने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की है और जो मिनिस्ट्री फॉर इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है उसको डेजिग्नेट किया हुआ है एज द सेक्रेटेरिएट, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट एंड दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो दूसरे दो सवाल हैं वोटिंग सिस्टम के ऊपर और किस किस्म की जमहूरियत है, और फिर मेरे दोस्त और भाई ने बात की कि 48% वोट्स पड़ते हैं और वो जो है रिजल्ट्स जो है वो टैम्पर हो जाते हैं। तो देखिए यही तो सारा माजरा जो है वो यही है, और इसीलिए आपकी और हमारी जद्दोजहद जो है वो इस सिमत में है कि सही मानों में इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम जो है वो नाफिज हो और जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर आइन के अंदर दी भी है कि हर अदारा जिसका जो किरदार आइन में दिया हुआ है वो अपने उस किरदार को अदा करे। यानी अगर लेजिस्लेचर का काम है कि वो कवानीन बनाए तो पार्लियामान कवानीन बनाए, अगर एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो मुल्क को चलाए और पॉलिसी बनाए तो वो पॉलिसी बनाए, अगर जुडिशरी का काम है कि वो मुल्क के आइन को इंटरप्रेट करे तो वो मुल्क के आइन को इंटरप्रेट करे, और अगर फौज का काम है कि वो सरहदों की हिफाजत करे तो फिर वो सरहदों की हिफाजत करे। उससे बियॉन्ड उनका रोल आइन में नहीं दिया हुआ, लिहाजा उनको उससे बियॉन्ड अपना रोल नहीं करना चाहिए। तो यही जिद्दोजहद है और इसी को हम लेके आगे चल रहे हैं। आखिर में मेरे भाई ने मुझसे 19वीं तरमीम का पूछा और उसकी मेरी किताब के अंदर जस्टिफिकेशन, बिल्कुल आई हैव जस्टिफाइड इट एंड आई थिंक दैट वाज एट दैट टाइम दैट वाज द ओनली ऑल्टरनेटिव दैट वाज अवेलेबल फॉर द सिंपल रीजन दैट वी वर अंडर नो डिसल्यूशनमेंट कि अगर वो 19वीं तरमीम ना होती, आर्टिकल 175A के अंदर तरमीम जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के ज़रिए से नगोशिएट हुई थी वो अगर ना लाई जाती तो जो इतना बड़ा पॉलिटिकल गेन इन टर्म्स ऑफ डेवल्यूशन ऑफ पावर, यानी 18 या 17 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ को आप डिवॉल्व कर रहे थे वो पूरे का पूरा एट स्टेक चला जाता। If tomorrow history will hold me and Dr. Saab as mujrim in this regard, I will accept that because I believe it was for a larger gain. Thank you.